जी हाँ, कलंक फिल्म को लेकर करण जौहर भावुक हो गए। आपको बता दें कि फिल्मकार करण जौहर ने कहा है कि उनकी आगामी फिल्म कलंक की बॉक्स ऑफिस पर सफलता उनके लिए मायने नहीं रखती है, क्योंकि यह एक ऐसी फिल्म है जिससे उनके पिता के सपने जुड़े हैं। जी हाँ, करण द्वारा निर्मित मल्टी स्टारर फिल्म कलंक 17 अप्रैल को रिलीज होगी। करण के धर्मा प्रोडक्शन बैनर ने व्यावसायिक रूप से कई सफल फिल्में दी हैं। करण ने कलंक के टीजर लॉन्च पर मीडिया से कहा, हमारी सभी फिल्में हमारे लिए विशेष हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मेरे लिए कलंक बॉक्स ऑफिस पर सफलता से परे है, व्यवसाय से परे है, क्योंकि यह मेरे पिता का सपना था जो फिल्म की रिलीज के साथ पूरा हो रहा है। वहीं आपको बता दें, फिल्म के बारे में करण ने कहा कि 2003 में कल हो ना हो की रिलीज के बाद मैंने कलंक की कहानी अपने पिता के साथ साझा की थी, क्योंकि मेरे पिता को इस विषय के बारे में जानकारी थी। इस पर फिल्म बनाना उनका सपना बन गया था। जी हाँ, उन्होंने कहा कि उनके निधन के बाद मैं बहुत भावुक हो गया था और फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं कर सका। मैं हर किसी को धर्मा प्रोडक्शन के परिवार के अंदरूनी सूत्रों की कहानी सुनाता रहा। अंत में मैंने जब अभिषेक बर्मन के साथ कहानी साझा की तो मुझे लगा कि अगर वह फिल्म पर काम करते हैं तो कहानी अच्छे हाथों में होगी। वहीं टीजर लॉन्च में फिल्म के कलाकार संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, नेने, वरुण धवन, आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि करण जौहर के पिता का सपना था कि कलंक मूवी बनाए, लेकिन वो नहीं बना पाए, इसलिए करण जौहर ने बनाया और इसीलिए वो भावुक हो गए थे। वहीं आपका क्या कहना है इस बारे में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।